सो हे बच्चों, वेलकम बैक टू एमेट फाउंडेशन। बच्चों बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि क्यू कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। हमने वहाँ पे कॉनकेव मिरर का नेचर देखा था, कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग नेचर समझा था, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले बच्चों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन आप करेंगे पेपर्स में या फिर कहीं पे भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे यूजिंग स्फेरिकल मिरर, तो आपको तीन पॉइंट का ध्यान रखना है। कौन से तीन पॉइंट्स का? थ्री पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्या? कि जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा एक स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, पोल पे, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किसी भी पॉइंट पे हो। मान लीजिए मेरा ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा पोल, ठीक। तो हमेशा ऑब्जेक्ट से हम लोग तीन लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे, ठीक। एक लाइट रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो कट करेगी फोकस पे, ठीक। पहली लाइट रे ये ड्रॉ करेंगे, दूसरी कौन सी लाइट रे ड्रॉ करेंगे? दूसरी लाइट रे ड्रॉ करेंगे बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी हो, फोकस एंड देन पोल, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, दूसरी हम लाइट रे ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देन तीसरी, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट, तीसरी लाइट रे बच्चों कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो आपको ड्रॉ करना है सी एफ एन पी। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो आपको इसके पोल पे लाइट रे डालना है, ये एंगल आई से इंसिडेंट करेगा और एंगल आर से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर में, आपको हमेशा तीन लाइट रेज जरूर ड्रॉ करनी है इमेज की फॉर्मेशन के लिए। पहली कौन सी? पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस को कट करेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा रिफ्लेक्ट करने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, तीसरा वाले को फिर से बना देता हूं बच्चों थोड़ा क्लियर ताकि ज्यादा बेटर आप लोग देख पाओ। तीसरा बच्चों, मान लीजिए ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा पोल है। तो अगर मान लो इमेज यहां पे है तो तीसरा, मान लो दो लाइट रे मैंने, एक ये पहला यहां पे बनाया फोकस कट गया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास किया, तीसरा यहां से पोल पे जाएगा और पोल पे एंगल आई बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्ट होगा एंगल आर से। आपको बस यही तीन रे को ड्रॉ करना है और जब इन तीन में से दो रे जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे बच्चों वहां पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टार्ट करने से पहले, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कि कैसे कॉनकेव मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स में भी, ठीक। चलिए ओके, तो यहां पे सबसे पहला केस आता है बच्चों कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हमसे सन इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे है ना, सपोज इनफाइनाइटली डिस्टेंस है हमसे, उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक। अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है कॉनकेव मिरर से, ठीक, तो हम कैसे इमेज का फॉर्मेशन बनाएंगे? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके आएंगे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो वो फोकस से कट करेगा, फोकस पे कट करेगा, ठीक, इमेज फोकस पे कट करेगा। देन सेकेंड लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जा सकते हैं, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मान लीजिए चलिए यहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा देते हैं, कुछ इस तरह ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा और ये वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, ठीक। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी इमेज हमारा इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे रहेगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। कैसे? इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख ले, तो हम सब ने कभी ना कभी टॉर्च इस्तेमाल की है। तो टॉर्च की जो लाइट होती है वो उसके फोकस पे होती है, ठीक। टॉर्च कुछ इस तरह होता है और यहां पे उसकी लाइट होती है जो जलती रहती है,
तो लाइट से, जब लाइट बल्ब से ये लाइट कुछ निकल के इस तरह पैरेलल जाती है ना, क्यों पैरेलल जाती है? क्योंकि ये जो लाइट बल्ब है वो इस स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल पर, सॉरी फोकस पर रखा रहता है, ठीक है? इस प्रिंसिपल मिरर, इस ये मेरा मान लीजिए टॉर्च का स्फेरिकल मिरर है, इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो ये होगा, और इसी फोकस पॉइंट पे अगर बच्चों मैं एलईडी लगा दूं, और इस एलईडी से जो लाइट निकलेगी, इस एलईडी से जो लाइट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो कुछ इस तरह जाएगी। अभी मैंने, अभी यहां पे देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो उसका इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर पे, तो जस्ट इसका उल्टा भी तो पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है ना बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक, दोनों पॉसिबल है। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस पे था, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा ना। मान लो ये प्रिंसिपल, मान ये हो गया, यहां से लाइट रे निकली, ये रिफ्लेक्ट करके सब पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी ना बच्चों, ठीक। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये मान लीजिए इस स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग इसका देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकल पे हो तो उसका रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, ठीक। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो इमेज बनता है, इमेज का जो नेचर होता है, जो कि यहाँ पे बनता है, वो होता है डिमिनिश्ड। क्या होता है? डिमिनिश्ड होता है और वर्चुअल होता है। रियल होता है, ठीक है, डिमिनिश होता है, रियल होता है। आपसे एग्जाम में हमेशा यही पूछेगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट का नेचर बताइए, आपसे एग्जाम में हमेशा यही पूछेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, कि जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, सॉरी बियॉन्ड सी हो, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहां पे होगा अगर हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड द सी है, ठीक। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, ठीक, सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लाएंगे, ठीक, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से जाएगा, ये एकदम इजी। दूसरी लाइट रे हम लाएंगे अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होने के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरह आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस चला गया, ये यहां पे आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे कट करके वापस चला गया, ठीक। तो यहां पे ये दोनों लाइट रे कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड द सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, द इमेज फॉर्मेशन इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, इसका नेचर होगा बच्चों रियल, इनवर्टेड और डिमिनिश्ड। ओके बच्चों, रियल डिमिनिश्ड मतलब बेसिकली कि ये अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। नेचर हम बताते समय तो यही देखते हैं कि क्या ये अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो हम इसको डिमिनिश्ड बोल देंगे। अगर अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इसको इनलार्ज्ड बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन है, इसका नेचर कैसा है, ये है आपका रियल डिमिनिश्ड, रियल है, डिमिनिश्ड है, और क्या लगता है बच्चों, और क्या होगा जल्दी बताइए, और कहां पे इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल, ठीक है, सॉरी बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, एंड इसका नेचर क्या है, रियल होगा और डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एग्जाम में देखिए बच्चों, आपसे रे, या तो रे डायग्राम आपसे बोल सकता है बनाने को, या तो फिर आपसे बोलेगा कि आप इसका नेचर बताइए, ठीक है। आपसे बोल देगा कि ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, आप उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा और उसका नेचर क्या होगा, आपसे यही पूछेगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं बच्चों, जो कि है ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है बच्चों, तो उसका इमेज फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइट रे आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से जाएगी। ठीक, दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक, सिंपल सा एकदम इसका रे डायग्राम है। ठीक, अच्छा यहां पे ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट का नेचर यहां पे जो ऑब्जेक्ट ये सी रिपीट हो गया है, जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा वो होगा रियल, रियल और क्या होगा इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और क्या होगा सेम साइज, सेम साइज। तो बच्चों यहां पे जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पे जो इमेज होगा वो हमेशा ही हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, हमेशा हमारी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। अच्छा अब इसकी साइज की भी बात कर लें, तो इमेज की जो साइज होगी बच्चों वो सेम एज ए ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, देखिए आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज आपसे पूछा जाएगा, पोजीशन आपको गिवन होगी कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चों, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं बच्चों। When the object is at center of curvature and focal point, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में होगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए हम जितने भी इससे पहले जो भी केस पढ़े हमने, हम एक चीज, एक ट्रेंड आप नोटिस करेगा बच्चों सारे में क्या, कि पहले कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत दूर था इमेज से, तो इमेज बहुत छोटा बन रहा था। ठीक, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आते जा रहा है, देखिए थोड़ा और ऑब्जेक्ट आया तो इमेज फोकस से थोड़ा पीछे हुआ और बड़ा हुआ। ठीक, थोड़ा फोकस से थोड़ा पीछे गया और बड़ा हुआ, जैसे जैसे इधर से ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है फोकस से इमेज पीछे जा रहा है। ठीक, अब देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ के इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो यहां से फोकल से थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया, मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज पीछे दूर जाता जा रहा है। ठीक, अब जरा इस वाले कंडीशन में देखिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चला गया, चला गया ना। इसी ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक, ताकि आप कभी भी इनलार्ज्ड डिमिनिज में कंफ्यूज ना हो। ठीक, देखिए अब इसके इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो यहां पे जो इमेज की फॉर्मेशन होगी बच्चों वो होगी रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड सी इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, चलो रे डायग्राम की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो रे होगा हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल से कट करके आएगा। दूसरा बच्चों मेरा दूसरा जाएगा इस डायरेक्शन में, जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा और ये दोनों मिलके कहीं पीछे इंटरसेक्ट करेंगे जहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए जरा इसको इरेज कर देता हूं, मैं बहुत ज्यादा यहां पे लिख लिया बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे नेचर पूछा जाएगा इमेज का, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो नेचर क्या है इसके इमेज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, कहां गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकल पॉइंट पे होगा। ठीक, इसका हमने आपको एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि जो हमारी जो टॉर्च होती है, जो एलईडी टॉर्च होती है बच्चों, ये मान लीजिए मेरी टॉर्च है और इसकी जो बल्ब होती है वो कुछ इस जगह होती है। ठीक, अब इससे जो लाइट रे निकलती है वो कैसे निकलती है, कुछ इस तरह निकलती है ना, लाइट रे कुछ इस तरह निकलती है, क्यों निकलती है और कैसे निकलती है, इमेजिन करो, सोच के देखो। देखो ये भी तो एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ही तो है, ये भी तो एक टॉर्च का जो इनसाइड वाला पार्ट है वो एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ही तो होता है। अब इस कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से, इमेजिन करो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से पैरेलल लाइट रेज निकल रही है। ठीक, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई पैरेलल लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसका इमेज का फॉर्मेशन उसके फोकस पे होता है, हमने ये पढ़ा है ना। लेकिन क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो क्या उसका
रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा? जी हाँ बच्चों जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये जो लाइट जो टॉर्च होती है इसकी जो एलईडी बल्ब होती है वो इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये मेरा स्फेरिकल मिरर होगा जो कि टॉर्च का है और ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो ये लाइट बल्ब इसके अंदर होती है, जो लाइट बल्ब इसके अंदर होती है वो इसके फोकस पे होती है ताकि इससे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा सके, ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा सके, ठीक। अब जरा इसके बेसिस पे हम लोग जरा ये वाला इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इसका इमेज इंफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है। अब कैसे बनता है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगी, दूसरी लाइट रे पोल पे जाएगी, एंगल आई इंसिडेंट एंगल बना के इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी एंगल आर बना के, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पकड़ लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकल और पोल के बीच में होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि कॉनकेव मिरर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जब उसका ऑब्जेक्ट फोकल और पोल के बीच में हो, ठीक है। जब फोकल और पोल के बीच में होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड द मिरर होता है और वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बियॉन्ड सी या फिर बियॉन्ड द मिरर। अब कैसे बनता है इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों। बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो सिंपल सबसे नॉर्मल वाली लाइट की जो कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करेगी, दूसरी पोल पे जाएगी, एंगल आई बनाएगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होगी एंगल आर से, समझ में आया बच्चों, ठीक। अगर इन दोनों रे को रिफ्लेक्टेड रे को देखा जाए तो ये एक्चुअली में एक दूसरे से सेपरेट होते जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस इन लोगों की बढ़ रही है, ठीक। तो ये मिरर के सामने तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम लोग ने इसे मिरर के बिहाइंड हम लोग ने इसे एक्सटेंड किया है, तो हमें पता चला कि ये मिरर के बिहाइंड कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे एक वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर का आपको एक ही केस देखना है जहां पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, दूसरा इसी का कन्वर्स जहां पे ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो सेम हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो फोकस पे इमेज बनेगा, सेम वही वाला कंडीशन है। यहां पे ये जो लाइट रे आई वो रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ गई, लेकिन अच्छा रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ गई क्यों, क्योंकि एक डाइवर्जिंग मिरर है, लास्ट वीडियो में उन्होंने बताया था आपको। अब दूसरी लाइट रे मान लो पोल से डायरेक्ट सीधी आई और वो पोल पे गई और यहां पे हमारा इंटरसेक्ट हुआ दोनों का रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम लोग ने एक्सटेंड किया, ठीक। अच्छा, ये इधर से आएगी इस तरह आई और वापस भी इस तरह चली गई होगी ना, क्योंकि ये क्या है, एक मिरर ही तो है बच्चों। तो मिरर अगर कोई भी मिरर के परपेंडिकुलर आप लाइट रे मारोगे तो वो वापस ही आपको मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा एकदम परपेंडिकुलरली, ठीक। तो ये इसको भी एक्सटेंड किया हमने फोकस पे इसका और रिफ्लेक्टेड रे का हमें मिल गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे बन चुका है, ठीक है। यही एक बेसिकली, और इसी का अगर उल्टा बात कर ले बच्चों, इसी के जस्ट उल्टा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे, तो अगर मान लो यहां पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको अगर तुम देखो यहां पे अगर रखेंगे तो इसके रिफ्लेक्टेड राय इसके जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो कहां जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी ना, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर का बेसिकली आपको एक ही कंडीशन दिखना था जहां पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन और उसके नेचर्स, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी इक्वेशंस और इसके मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।
अरे